इनफैक्ट औरबिंदो फार्मा की बात हुई है तो एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा फार्मा स्पेस से कल के सत्र में, वो था बायोकॉन। इनफैक्ट सिद्धार्थ, बायोकॉन पर मैं आपके व्यू भी लेना चाहूंगी। हाल ही में काफी खबरों में रहा है, कल मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 2016 जो है वो बायोकॉन के लिए टर्निंग ईयर हो सकता है। इंसुलिन के लिए जो अप्रूवल मिला है ग्लार्गिन के लिए हाल ही में जापान से, उसके बाद अब जो कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं यूएस और यूरोपियन मार्केट्स को लेकर, चार नए अप्रूवल्स के लिए एप्लीकेशन भी कंपनी जल्द फाइल करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक ब्राइट परफॉर्मर बायोकॉन यहां से हो सकता है और खरीदारी की जा सकती है अभी भी? देखिए दीपाली, बायोकॉन पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी नहीं है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बिजनेस स्टैकअप अच्छे हैं, करीबन कई ANDAs भी अप्रूवल पे पेंडिंग है, बट हालांकि अगर फार्मा स्पेस में देखा जाए तो बहुत सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जिस स्टॉक पे अभी जिक्र हो रहा था, हम मानते हैं कि औरबिंदो फार्मा इन मिड कैप स्पेस काफ़ी अच्छा कर सकता है क्योंकि करीबन 180 से 200 ANDA अप्रूवल पेंडिंग है, जहाँ पे बहुत सारे अप्रूवल्स मिल सकते हैं ये साल में। साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा, लार्ज कैप स्पेस में सन फार्मा भी बहुत अच्छा परफॉर्मर रह चुका है क्योंकि ओवरऑल हलूल फैसिलिटी पे जो भी अटकलें हैं वो हम मानते हैं कि री इंस्पेक्शन पे सारी ही अटकलें क्लियर हो सकती है और क्लियरेंस पूरी हद तक मिल सकता है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो US का जो अप्रूवल है ग्लेवेक का, यहां से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू फ्लो इन हो सकता है सन फार्मा के लिए। तो लार्ज कैप स्पेस में हम लोग बेट करना चाहेंगे सन फार्मा पे और मिड कैप पे औरबिंदो फार्मा। जी चलिए, इसके अलावा आज CCA की बैठक है और इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा शुगर केन प्राइसेस को लेकर जो डिसीजन लिया जाना है, लेकिन शुगर पॉकेट पूरी ही आज लाइमलाइट में रहेगी और क्या खबरें हैं जिसका असर दिखेगा शुगर स्टॉक्स पर, ये समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी है। संदीप, आज CCA की बैठक में कौन कौन से मुद्दे होंगे या फिर एजेंडा क्या होगा और साथ ही साथ शुगर पॉकेट क्यों लाइमलाइट में रहेगा आज? शुक्रिया दीपाली, देखिए शुगर के प्राइसेस डिसाइड हो सकते हैं कैबिनेट की बैठक में, वो तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से शुगर आज फोकस में रहेगा, लेकिन उसके अलावा खबरें और भी इस स्पेस को लेकर आ रही है जिसकी वजह से पूरे चीनी एज ए पैक में आज हलचल देखने मिल सकती है, तेजी की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। दरअसल इस बार इस शुगर ईयर में जो प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे देश से उसके ऊपर रोक लगी है। पिछले 5 दिनों से अगर आप देखिए तो जो डीलर्स हैं उन्होंने कोई भी चीनी एक्सपोर्ट का नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। दरअसल माना ऐसा जा रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलेगा जिसकी वजह से घरेलू मार्केट्स में ही चीनी की जो कीमतें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बीते 10 दिनों से अगर आप देखें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से डीलर्स नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि आउटपुट कम होगा, प्राइसेस बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से शायद अपना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का टारगेट है वो इंडिया ना मीट कर सकें। आपको बता दें ब्राजील के बाद इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का और एक अक्टूबर से अब तक अगर आप देखें 16 लाख टन चीनी के जो एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भारत को मिले हैं। अब तक अगर आप देखें डीलर्स ने 13 लाख टन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किए हैं, लेकिन अब जिस तरह से माना जा रहा है कि 6 साल से लगातार जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इस बार जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल सकती है उसकी वजह से घरेलू मार्केट्स में ही चीनी की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा 10 दिन में करीब 8% के आसपास की बढ़त आई है, उस वजह से डीलर्स ने जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो करने पर रोक लगा दी और चूंकि घरेलू मार्केट्स में दाम बढ़ सकते हैं इसलिए ये कंपनियां इंडिया में जो अपने प्रोडक्ट है उसको बेचने के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकती है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के टारगेट नहीं मीट होंगे और चीनी की प्राइसेस यहां से और भी बढ़ सकते हैं ऐसी उम्मीद है, जिसकी वजह से आज फिर से चीनी शेयरों में हलचल देखने मिल सकती है, तेजी की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। संदीप ने बात कही उसका क्रक्स यही है, चीनी के दाम ऊपर रहेंगे, आई मीन किसी भी सेक्टर को भगाने के लिए उसका अंडरलाइन का प्राइस अच्छा हो, बस दैट्स इनफ। यानी कल जो थोड़ी बहुत गिरावट, देखिए ये 10-1 दिन के अंतराल में 1-1.5% 2% गिर जाना है ये तो लाजमी होता है, बाजार के साथ आप थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन इसमें कोई राय नहीं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है और आई थिंक सर्कमस्टेंसेस यही रहेंगे, यही कहते हैं। प्रदीप, अगर आपको शुगर में अभी भी दाव लगाना हो, आई मीन मैं जानता हूँ कि ज़माने भर का रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन फिर भी आप किस स्टॉक के साथ जाएंगे? आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 5 स्टॉक्स खड़े हुए हैं, किसके साथ जाएंगे आप? देखिए शुगर में वीरेंद्र आप बहुत छोटी अवधि के लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें देखिए बहुत अच्छी खबरें हैं, प्रोडक्शन कट है, वर्ल्ड में भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं एक खतरा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ज़्यादा अगर चीनी के दाम बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए आ जाएगी, तो ये एक बात को भी रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे रही है, री रेटिंग भी हो रही है। अगर आप मेरे से पहली च्वाइस पूछने के लिए जाओगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अभी जो चार्ट सेटअप है और जो कंपनी के हालात हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को बलरामपुर के। मोमेंटम में आप जाना चाहोगे तो आपके पास में बहुत अच्छा एक स्टॉक है धामपुर का। इसके बाद अगर आप देखो तो एक स्टॉक है द्वारकेश शुगर,
जो बहुत अच्छा अपस्विंग दिखाते हुए भी ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन लेता है, लेकिन उसके बाद फिर ये अपने हाइस की तरफ चलता है। ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ से मेरे को लगता है 2 से 3 गुना तो बढ़ चुका है, लेकिन इसको अगर आप करेक्शन में नोटिस करके रखते हो तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा देगा। और वैसे तो आप देखो तो सारे स्टॉक के अंदर ही आप अवध शुगर की बात कर लो या आप धामपुर की बात कर लो, बजाज हिंद की बात भी कर लो, तो करीब करीब बजाज हिंदुस्तान भी 70-80% बढ़ चुका है। थोड़ा धीरज रख के इनमें पैसे लगाने पड़ेंगे जी। चलिए 9 बजे हैं और उसकी तरह वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं रोकने का।